नैना कीर्तनीया सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। शासन तंत्र जागरूक हो तो इस प्रकार का कोलाहल ना हो। शासन तंत्र पर्याप्त दिशाहीन है। माइक की एक मर्यादा होती है। कोलाहल मचाकर एक प्रकार से विघ्न डालना उचित नहीं है, परंतु शासन तंत्र की दिशाहीनता हम लोगों को कष्ट पहुंचाती है। तीर्थों का यह स्वरूप बना देना कि जप तप समाधि ध्यान अनुसंधान अध्ययन के अनुकूल ही न रह जाए, यह सचमुच में अराजकता है। शासन तंत्र जागरूक रहे तो व्यक्ति मर्यादा की सीमा में माइक का उपयोग करें। हमारे यहाँ प्रवचन के समय ही माइक का उपयोग होता है, अन्य समय नहीं। कैसेट आदि बिल्कुल नहीं बजता, चाहे मठ में हमारी उपस्थिति में जाए या अनुपस्थिति में। शासन तंत्र अपने दायित्व का निर्वाह करे ताकि ज्ञान विज्ञान का स्रोत उज्जीवित रहे। पूरा विश्व इस संगम स्थल पर आकर लाभान्वित हो। श्री राम जय जय राम। नारायण। सज्जनों, कल निरूपण किया जा रहा था धर्म कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धरणी धराः। महाभारत का वचन। पुरुषार्थ चतुष्टय और काल, ये जो पांच हैं पृथ्वी के धारक हैं। वसु और वासु की कौन है, कल मैंने बताया, चल अचल संपत्ति के अधिदैव, अर्थ पुरुषार्थ के ख्यापक द्योतक। अनंत और कपिल कौन है, पराविद्या पराविद्या के आचार्य, मोक्ष नामक पुरुषार्थ के ख्यापक। पृथ्वी के सात तत्वों को कल मैंने पांच में सन्निहित किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष और काल, ये पृथ्वी के धारक हैं। थोड़ा विचार कीजिए सहृदयता पूर्वक। पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन भारत की संरचना भारत के हित में है क्या? पूरे विश्व की गाथा यही है कि पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन विश्व की संरचना विकास के नाम पर हो रही है, लेकिन भारत विश्व का हृदय है। यहाँ के शासन तंत्र के अधिनायकों का दायित्व है कि विचार करें, अंधी पीसे बिल्ली खाए की कहावत चरितार्थ ना हो। मैं संकेत करता हूँ, अर्थ नामक पुरुषार्थ का विलोप हो रहा है या नहीं? अर्थ में विकृति भी आ रही है, अर्थ नामक पुरुषार्थ का विलोप भी हो रहा है। जो भी क्रांति इस शताब्दी में आई है वो अर्थ को लेकर, लेकिन विचार करके देखें तो अर्थ नामक पुरुषार्थ का भी द्रुत गति से विलोप हो रहा है। अर्थ में पर्याप्त विकृति आ रही है, निर्धनता बढ़ रही है, समृद्धि बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है। काम के नाम पर पिशाच वृत्ति का तांडव नृत्य है। हर व्यक्ति अपने को अपनी बहू बेटी को असुरक्षित मानता है, कब किसकी इज्जत कहाँ लूट जाए कह नहीं सकते। धर्म और मोक्ष का तो केवल नाम ही रह गया है। इसका अर्थ है पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन समाज की संरचना व्यक्ति की संरचना विकास के नाम पर करना उचित नहीं। क्या उचित है? श्रीमद् भागवत में दसवां स्कंध में वेदस्तुति नामक एक अध्याय है 87।
उसके दूसरे श्लोक के आधार पर विकास को परिभाषित करने की आवश्यकता है। बुद्धिन्द्रियमन प्राणान जनानाम असदत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। श्रीधरी टीका के अनुसार मैं अर्थ कर रहा हूँ। श्रीधरा स्वामी की याद आ गई, कम से कम जो कथावाचक महोदय मंच पर हैं नीचे हैं वो इस तथ्य को सुन लें, समझ लें, ख्यापित भी करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखने वाले, टीका लिखने वाले श्रीधर स्वामी पूरी पीठ के शंकराचार्य। श्रीमद् भागवत पर भाष्य पूरी पीठ की देन है। पंचपादिका जहाँ पद्मपादाचार्य महाभाग की देन है, श्रीमद् भागवत पर भाष्य भी पूरी पीठ के आचार्य की देन है, और वैदिक मैथमेटिक्स तो पूरी पीठ के आचार्य की देन है ही। इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार होना चाहिए। गोमठ है काशी में, श्रीधर स्वामी वहाँ रहते थे। हमारे यहाँ जो आचार्यों की सूची है, श्रीधर स्वामी गोवर्धन मठ पूरी पीठ के आचार्य थे। उनका जन्म स्थान भी उड़ीसा ही सिद्ध है। श्रीमद् भागवत पर भाष्य भी पूरी पीठ के आचार्य के द्वारा विश्व को प्राप्त है। श्री चैतन्य महाप्रभु तो श्रीधरी टीका पर इतने लट्टू थे, स्वामी को नहीं मिल मानता वो क्या होगा। श्रीधर स्वामी को जो नहीं मानता उसकी तो दुर्गति हुए बिना नहीं रह सकती। श्री वल्लभाचार्य जी को यहीं यमुना में नौका से गमन करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो स्वामी को नहीं मानती वो पत्नी पतिव्रता कैसे होगी। अगर आपने भागवत पर कलम चलाई है, श्रीधर स्वामी को नहीं माना है, तो मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूँ। यही की घटना। इसका अर्थ, श्रीधर स्वामी गोवर्धन मठ पूरी पीठ के आचार्य थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखा जिसका नाम है श्रीधरी टीका। भागवत का मैंने एक श्लोक पढ़ा, यह श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि विकास की परिभाषा इसके आधार पर रचने की आवश्यकता है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। पुरुषार्थ चतुष्टय। भगवान ने महासर्ग के प्रारंभ में आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना की। जो जीव महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक्षण पर्यंत कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके थे, उनको कैवल्य मोक्ष प्राप्ति का अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने देहेंद्री प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। जनानाम शब्द का प्रयोग है। श्रीधर स्वामी ने कहा जीवार्था सृष्टि। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में आत्मार्था सृष्टि, जीवार्था सृष्टि, सृष्टि के दो भेद हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद श्री रामानुजाचार्य महाभाग के संप्रदाय में उस उपनिषद को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। श्रीधर स्वामी ने लिखा जनानाम शब्द का प्रयोग है। जीवार्था सृष्टि, जो जीव महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक्षण पर्यंत कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके थे, उनको मुक्ति का अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासर्ग के प्रारंभ में देहेंद्री प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। जीवन प्रदान किया तो लक्ष्य क्या निर्धारित किया, मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। श्रीधरी टीका के अनुसार
ये जो चार शब्द प्रयुक्त हुए हैं चार पुरुषार्थ के लिए, अर्थ की सिद्धि, काम की सिद्धि, धर्म की सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो सके जीवों को, इसलिए भगवान ने देहेंद्रीय प्राणांतकरण से संपन्न जीवन जीवों को प्रदान किया। किन जीवों को? जो अकृतार्थ थे, महाप्रलय के अभी पूर्वक क्षण पर्यंत कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके थे। एक विचित्र बात, हमारे निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाभाग ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, सदैव सौम्येद अमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम छांदोग्य उपनिषद छठा अध्याय। महाप्रलय में हम आप जितने जीव हैं, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विहीन सदघन चिदघन आनंद घन होकर ब्रह्ममात्र होकर शेष रहते हैं या नहीं? भगवत प्राप्ति का महत्व है या जो विवेक पूर्वक भगवत प्राप्ति का महत्व है? ये विचित्र बात। भगवान की प्राप्ति तो महाप्रलय में कैसे होती है? सदैव सौम्यदमग्रासित एकम एव अद्वितीयम सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही हम सब जीव महाप्रलय में कितने वर्षों तक भगवान के साथ एकीभूत होकर रहते हैं। गीता का 8वां अध्याय ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार 100 वर्ष और मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक हम जीव सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा होकर ही महाप्रलय में अवशिष्ट रहते हैं। स्थिति का महत्व है लेकिन रहस्य बोध का अद्भुत महत्व है। गाढ़ी नींद हमको आपको आती है, महाप्रलय की स्मृति तो नहीं है, अनादिकाल से अब तक अरबों बार महाप्रलय की दशा में हम आप रहे होंगे, महाप्रलय की स्मृति तो नहीं है लेकिन गाढ़ी नींद की स्मृति तो हमारे जीवन में रहती है ना। गाढ़ी नींद में भी हम नित्य ही 5-7 घंटे भगवत भावापन्न होकर ही शेष रहते हैं। स्थिति तो हमारी यही रहती है कि हम भगवत रूप होकर ही शेष रहते हैं। हम गाढ़ी नींद के पहले निकेत जी होते हैं तो कहते हैं कि अब हम प्राज्ञेश्वर मिलन की ओर जा रहे हैं। प्राज्ञ और ईश्वर का मिलन होगा या नहीं गाढ़ी नींद में? भगवत भावापन्न होकर ही हम नित्य 5-7 घंटे गाढ़ी नींद में होते हैं लेकिन रहस्य बोध न होने के कारण ब्रह्म भावापत्ति भी एक अवस्था बन के रह जाती है, मोक्ष का रूप धारण नहीं कर पाती। इसलिए सत्संग का महत्व है, रहस्य बोध है। स्थिति ही पर्याप्त नहीं है, रहस्य बोध आवश्यक है। हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया? इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी ये सनातन सिद्धांत की उपयोगिता किस आधार पर है, सत्संग की उपयोगिता किस आधार पर है? बृहदारण्यक उपनिषद इस बार, पिछले वर्ष भी शंकर भाष्य आनंद गिरि टीका सहित 2 महीने चातुर्मास के दिनों में पढ़ाने का अवसर मिला। पढ़ाने के अवसर का अर्थ है पढ़ने का अवसर मिला, श्रोता भूल गए होंगे लेकिन हमारे लिए पढ़ाना वरदान स्वरूप सिद्ध हो जाता है। 28 वर्षों में पूरी में चातुर्मास के दिनों में ईशावास्योपनिषद से प्रारंभ किया था, अब हम बृहदारण्यक उपनिषद तक पहुँचे हैं। शंकर भाष्य आनंद गिरि टीका सहित इस बार भी कुछ अंशों में पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। एक विचित्र बात है, ध्यानपूर्वक सुनिए। वो विचित्र बात क्या है? वेदादि शास्त्रों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, स्वभाव से जितने स्तर का ज्ञान और कर्म हमको प्राप्त है उसमें उत्कर्ष नहीं हो सकता।
भौतिकवादियों के जीवन में न ज्ञान का उत्कर्ष हो पाता है न कर्म का। वेदादि शास्त्रों को स्वीकार करते ही ज्ञान और कर्म के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इसका अर्थ क्या है? चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले जितने देहात्मवादी हैं उनकी प्रज्ञा शक्ति कुंठित रहती है। वेदादि शास्त्र को स्वीकार किए बिना एक तथ्य का अनुभव नहीं हो सकता। मैं महत्वपूर्ण वाक्य बोल रहा हूँ, सावधान। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस सिद्धांत को याद कर लीजिए, हृदयंगम कीजिए, इसके अर्थ पर विचार कीजिए। हमारा स्वभाव है बचपन से, माता पिता गुरुओं की कृपा है, भगवान सूर्य की कृपा है, इतना मोटा भी ग्रंथ हो तो हमारा दृष्टिकोण रहता है कि सूत्र शैली में किसकी व्याख्या है विस्तृत। हम सूत्र पर ध्यान देते हैं कि इतनी बृहद व्याख्या किस सूत्र के आधार पर है। जैसे कल मैंने बताया, परसों बताया, गीता का पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के आरंभ किस दार्शनिक तथ्य पर निर्भर है। अर्जुन का पक्ष था, विवेकियों का विवेकी का दायित्व अधिक होता है। दुर्योधन इत्यादि जो हैं, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र पौत्र इत्यादि, ये विवेक शून्य हैं। इन्होंने अनर्थ का आयोजन किया है, कुल के विध्वंस का इन्होंने बीज बोया है। हम विवेकी हैं, हमारा दायित्व अधिक होता है। विवेकी का दायित्व अधिक है, युद्ध का अवसर प्राप्त होने पर भी उसे उपरांता ही हम विवेकियों का दायित्व है। अर्जुन का पक्ष सामान्य पक्ष थोड़े है। भगवान का कहना क्या, कल मैंने बताया, कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। पहला अध्याय का सारांश, कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। माना कि विवेकी का दायित्व अधिक होता है, हमने शांति दूत होकर विवेक का परिचय दिया, अब जिस कगार पर दुर्योधन ने तुमको खड़ा कर दिया है, छात्र धर्म पुकार के कहता अर्जुन अब गांडीव धनुष संभाल। इसका अर्थ कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। अगर व्यवहार में इस चीज़ पर ध्यान दें तो सीमा सुरक्षित रहेगी या नहीं, चाहे चीन हो या पाकिस्तान। अगर वो भारत के अस्तित्व और आदर्श पर प्रहार करने के लिए उद्यत हो जाए, वहाँ मैत्री का निर्वाह करेंगे कब तक? वहाँ कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। ए पाकिस्तान, ये चीन, जिस कगार पर तुमने हमको खड़ा किया है, अब हमारे लिए शौर्य का प्रदर्शन, वीरता का प्रदर्शन और कोई चारा नहीं रह गया। अब तुम सोच लो, पीछे हटते हो तो हम पीछे हट जाएंगे, अगर तुमने हम पर कटाक्ष किया, आक्रमण किया, तो कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। विवेकी का दायित्व अधिक होने पर भी अगर अविवेकियों के द्वारा विवेकी को उस कगार पर लाके खड़ा कर दिया जाए, तो सोचने के लिए बाध्य हो कि प्राप्त परिस्थिति में हम क्या करें। तो वहाँ भगवान का दिया हुआ दृष्टिकोण क्या है, कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। तो हमने संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया, देहात्मवादियों के जीवन में कमजोरी क्या होती है, दुर्बलता क्या होती है। देहात्मवादी, कल भी मैंने कहा, परसों भी कहा, क्यों कहा, प्रवचन तो हजारों तैयार हैं भगवत कृपा से, 2-3 हजार प्रवचन तैयार होंगे स्वाभाविक रूप से, लेकिन एक ही बात को 3 बार कहने की क्या आवश्यकता। हमको जो रत्न मिलता है पढ़ने पर, वो रत्न आपको बहुत ही आदरपूर्वक बिस्तर पर बैठे हुए प्राप्त हो जाए, ये हमारा अपनत्व है, समझ गए। आपसे कोई सेवा तो नहीं लेते, रुपया तो नहीं मांगते। बद्रीनाथ से ऊपर वसुधारा से लेकर कन्याकुमारी, पांडिचेरी, रामेश्वरम तक नंगे पांव, भूखे प्यासे,
लोग पागल समझ कर दंडा मारते थे, आग से जलाने आते थे, बहुत कष्ट देते थे। उस दशा में भी अपने पौरुष के बल पर नहीं, पितर देवी देवता धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी कटपाती जी महाराज जैसे गुरुओं के बल पर जो ज्ञान विज्ञान प्राप्त हुआ, वो आपको यहाँ पर आदर पूर्वक बैठा कर दिया जाता है। जिसने इस माइक नामक यंत्र का आविष्कार किया होगा, इसके सिद्धांत का आरंभ में कालांतर में उसके अनुगत व्यक्तियों ने विकसित किया। अब आपको लाभ हो रहा है या नहीं, हमको लाभ हो रहा है या नहीं, तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है और मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों में होती है। कल भी बताया, परसों भी बताया, चौथे रोज भी बताया, छांदोग्य श्रुति के आठवें अध्याय में। मन जीव का दिव्य चक्षु है, कहाँ लिखा है? छांदोग्य श्रुति आठवां अध्याय। मन दिव्य चक्षु क्यों है? इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। ये जितने भौतिकवादी हैं इंद्रियात्मवादी होते हैं, देहात्मवादी का अर्थ इंद्रियात्मवादी होता है, नहीं तो देह तो सब है। इंद्रियात्मवादी इंद्रियों में तादात्म्यपन, इंद्रियात्मवादी देहात्मवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले होते हैं। और इंद्रियों की एक लाचारी है, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की विशेषता क्या है? मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। अब हम तैतृय उपनिषद के अनुसार बोल रहे हैं, वेद की स्थिति कहाँ है? अंतःकरण में, मनोमय कोश में, विज्ञानमय कोश में वेद कहाँ निवास करते हैं हमारे जीवन में? ऋक यजु साम और अथर्व हमारे जीवन में मन और बुद्धि में निवास करते हैं, अंतःकरण में निवास करते हैं। और वेदों का बीज क्या है? ओंकार प्रणव, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा। और ओंकार की विशेषता क्या है? काल गर्भित ही नहीं, कालातीत जो अव्याकृत आत्म तत्व हैं, अव्याकृतादि तत्व हैं, कालातीत। सूर्य से काल की निष्पत्ति होती है, ज्योतिष पर मैं नहीं बोलना चाहता अभी, ज्योतिष पर भी दर्शन एक छोटा सा हमारा ग्रंथ है। हमने संकेत किया कि काल की निष्पत्ति सूर्य से होती है, लेकिन यक्षत्र कालातीतम तदप्य ओंकार एव। ओंकार की गति वेदों के बीज एकाक्षर ब्रह्म शब्द ब्रह्म, वेदों की गति काल गर्भित पदार्थों में ही नहीं, कालातीत अव्याकृत आत्मा में भी है। इसका अर्थ क्या हुआ सज्जनों? वेदादि शास्त्रों को प्रमाण मानेंगे तो हमारे जीवन में काल गर्भित और कालातीत तत्वों तक मन को पहुंचाने का बल और वेग प्राप्त होगा। भौतिकवादी बने रहेंगे तो वर्तमान को लक्ष्य बनाकर ही कर्म करेंगे। इसलिए पूरे विश्व में जितनी विकास को लेकर जितनी योजनाएं बनी हैं सब ध्वस्त हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? इंद्रियात्मवादियों के द्वारा बनाया हुआ प्रकल्प विकास का अभियान केवल वर्तमान को देखकर होता है, और वर्तमान तो खिसकते खिसकते फिर क्या हो जाता है। इसलिए हमने संकेत किया मनोयोग पूर्वक, फिर वेदादि शास्त्र का आलम्बन लेकर जो अधिनियम प्रसारित होता है, जिस अधिनियम का पालन होता है वो स्थिर होता है। इसका अर्थ है लौकिक उत्कर्ष पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त। अब थोड़ा विचार कीजिए, मैं वृंदावन उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। संकेत मैंने कल परसों भी किया, मेरे लिए ये सब वचन वरदान स्वरूप है। आपको मालूम है विश्वस्तर के शीत युद्ध में हम लोग हैं। स्वामी जी को संकेत कर रहा, कहीं अखबार आदि में नहीं देते, पूरे विश्व की दृष्टि पूरी के शंकराचार्य पर होती है। क्यों होती है? 28 वर्षों से है, क्यों है? अगर एक भी मनवादी सफल हो गया तो किसी की दाल नहीं गलेगी।
हनुमान जी का नाम लेते ही भूत प्रेत पिशाचों की दाल नहीं गलती है। एक मनवादी कहीं सफल हो गया, धर्माचार्य हो, संत हो, लेकिन मनवादी ना हो, है या नहीं? पूरे एक भी मनवादी अगर सुरक्षित रह गया धर्माचार्य, किसी की चलेगी नहीं, और वो शासन तंत्र अपने अनुकूल स्थापित किए बिना नहीं रहेगा। खतरा अगर विश्व मानता है आजकल तो मनवादी से। उत्कर्ष सर्वथा विपरीत बुद्धि हुई या नहीं? मनु को माने बिना न भौतिक उत्कर्ष हो सकता है, न आध्यात्मिक उत्कर्ष हो सकता है, लेकिन पूरे विश्व की मान्यता यह है, विषाक्तपूर्ण मान्यता है, एक भी मनवादी अगर सफल हो गया तो बाकी कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सबकी तीक्ष्ण दृष्टि है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? भौतिकवादी इंद्रियात्मवादी होते हैं और इंद्रियों की दृष्टि केवल वर्तमान तक स्थित रहती है। इसलिए हम लोगों की योजना, हम लोगों के वक्तव्य, हम लोगों के अभियान पर ध्यान भी देना चाहें नहीं समझ में आ सकता, उसका अनुपालन करना चाहेंगे तो भौतिकवादी नहीं रह जाएंगे। हमको अपनी सीमा में ढाल नहीं सकते, हमारी सीमा में ढालने के लिए बाध्य हैं। इसलिए हमने संकेत किया, भौतिकवादियों की पोल पट्टी दुर्बलता खोल रहे, निंदा की दृष्टि से नहीं, उनके प्रति करुणा की दृष्टि से, उदारता की दृष्टि से, ताकि भौतिकता की धारा में बहना छोड़कर अध्यात्म की उपयोगिता समझें। पहला दोष भौतिकवादियों में क्या है? वो इंद्रियात्मवादी होते हैं, वर्तमान के आगे भूत भविष्य पर अतीन्द्रिय पदार्थ पर उनकी दृष्टि नहीं होती, अपने को बुद्धिमान मानते होते हैं, बुद्धू भौतिकवादी, ये सबसे बड़ा दोष है। इसलिए अध्यात्म को जानने के लिए एक वाक्य ध्यान में रखना चाहिए, वेदादि शास्त्र सर्वमत कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड के मूल में कौन सा सिद्धांत काम करता है? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस तथ्य में जिसकी आस्था नहीं है वो वैदिक मार्ग पर चल ही नहीं सकता, न कर्मकांड का निर्वाह हो सकता है, न श्राद्ध में उसकी प्रीति प्रवृत्ति हो सकती है, न तर्पण में उसकी प्रीति प्रवृत्ति हो सकती है। इसका अर्थ न कर्मकांड का पालन, न उपासना कांड का पालन, न ज्ञान कांड का पालन। तो मैंने क्या कहा, एक सूत्र जीवन में ध्यान में रखिए, उतारने का प्रयास कीजिए, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा भेद में भेद की प्राप्ति नहीं होती। उदाहरण मैंने दिया था, एक सच्ची घटना है, लगभग 70 साल के कोई कम्युनिस्ट नेता, जब पहली बार हमने गंगा सागर में शिविर लगाया, रात के 11 बजे चुपके से छिप के आए। उन्होंने कहा, महाराज कम्युनिस्ट हूँ, हमारी पार्टी के व्यक्ति जान जाएंगे तो पार्टी से निकाल देंगे, अपमानित भी करेंगे, 5 मिनट का समय लेकर आया हूँ। उस समय मेरे पास जयमंत मिश्र जी, इंदिरा जी के पिताजी बैठे थे। 5 मिनट में मुझे अनास्तिक श्रोमण को आस्तिक बना सकते हैं तो बनाइए। 5 मिनट, अधिक मेरे पास समय नहीं है, पार्टी वाले जान लेंगे तो पार्टी से निकाल देंगे, दुर्गति कर देंगे, ज्योतिर्वसु का समय रहा होगा। हमने 5 मिनट में बताया, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। एक नास्तिक को आस्तिक बनाने के लिए 5 मिनट समय ही पर्याप्त, उदाहरण दे दिया। 70 वर्षों की आयु किसी की पूरी हो गई, 70 वर्षों में कदाचित उसने 70 ही स्वप्न देखा हो, तो स्वप्न के 70 शरीर उसके नष्ट हो गए या नहीं, अपना नाश मानता है क्या? तो देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह की संख्या 70 अपनी संख्या 1 मानता है या नहीं? एक उदाहरण के बल पर ही नास्तिक शिरोमणियों को 5 मिनट में आस्तिक बनाया जा सकता है। फिर मुझे पता चला बाद में कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी और जीवन भर अंतिम सांस तक भगवान का भजन किया, 5 मिनट के सत्संग ने उन पर यह प्रभाव डाला। क्या देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती? अब थोड़ा विचार कीजिए।
प्रयोगशाला हमारे आपके जीवन में है, आपको स्वप्न आता होगा, मुझे भी स्वप्न आता है। स्वप्न तो आता है, लेकिन स्वप्न के रहस्य को 1 करोड़ व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति जान ले तो भी पृथ्वी का हो भाग्य। स्वप्नावस्था में हम आप मनोयोग से कैसा मन, स्वप्न की प्राप्ति कब होती है, शारीरिक उपनिषद पैंगलोपनिषद को मिलाकर बोल रहा हूँ। स्वप्न की प्राप्ति कब होती है, कर्मेंद्रियाँ सो जाएं, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाएं, छांदोग्य श्रुति का 8वें अध्याय को भी मिलाकर बोल रहा हूँ। कर्मेंद्रियाँ सो जाएं, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाएं, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार अर्धनिद्रित हो जाए, निद्रा दोष, चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ चरक संहिता को भी मिलाकर बोल रहा हूँ। निद्रा दोष शब्द का प्रयोग हमने चरक संहिता से किया। आयुर्वेद का ग्रंथ दार्शनिक है, बहुत क्लिष्ट है, प्रायोगिक भी है। चरक संहिता भगवत कृपा समय पूरी सदी हुई है, चरक संहिता पूरी सदी हुई है, आयुर्वेद भी पूरा सदा हुआ है गुरुओं की कृपा से, क्योंकि दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने पर ये सब ग्रंथ सध जाते हैं। स्वप्नावस्था की प्राप्ति कब हो सही है, कर्मेंद्रियाँ सो जाएं, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाएं, अंतःकरण अर्ध निद्रित हो जाए, निद्रा दोष और वासना की प्रगल्भता से मन से चेतित नहीं, आत्म चैतन्य से चेतित मन स्वयं ही ग्राही ग्राहक भाव को प्राप्त हो जाए, तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। फिर से बोलता हूँ, 50वें ग्रंथों के भाव को एक वक्त में महाभारत शांति पर्व आदि में जो स्वप्न का लक्षण है उन सबको पढ़कर 50वें वाक्यों को एक वाक्य में पिरोकर मैं बोल रहा हूँ। सावधान, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर निद्रा दोष और वासना की प्रगल्भता से जब स्वयं ही ग्राही ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है तब स्वप्नावस्था होती है। इंदौर गीता जयंती में बोल रहे थे तो कथावाचक ने टिप्पणी की बाद में, अपने प्रवचन में ही टिप्पणी की, एक शब्द पकड़ना चाहता हूँ तब तक शंकराचार्य 10 शब्द बोल देते हैं, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करता मैं नकल करूँ तो कैसे करूँ आत्मचैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण या मन निद्रा दोष और वासना की प्रगल्भता के वशीभूत होकर कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सो जाने पर स्वयं ही ग्राही ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है। इसका अर्थ मनोयोग से स्वप्नावस्था में हम पृथ्वी हो जाते हैं, जल हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं, वायु हो जाते हैं, आकाश हो जाते हैं, दिक् हो जाते हैं, काल हो जाते हैं, जितने स्थावर जंगम प्राणी होते हैं वो भी हम ही हो जाते हैं। स्वप्नावस्था का आतंकवादी कहीं उधर से इधर से नहीं, पड़ोसी देशों से, स्वप्नावस्था का आतंकवादी स्वप्नावस्था के आपके शरीर को ठाई कर दे, रक्त आप्लावित होता हुआ बहता हुआ दिखाई पड़े, स्वप्न टूट जाए। अगर आपको वेदांत आदि का ज्ञान है तो विचार करेंगे स्वप्नावस्था का शरीर भारत भूषण महोदय सप्त धातु में होता है क्या, उसमें रक्त हो सकता है क्या? इसका नाम है चक्षुर्बंध, दृष्टिबंध। जादूगर जो दिखाना चाहता है, चक्षुर्बंध शब्द का प्रयोग किया, भगवान भाष्यकार का शब्द है। आपके दृष्टि को जो दिखाना चाहता है तद अनुरूप ढाल देता है। स्वप्नावस्था का शरीर सप्त धातुमय होगा तो स्वप्न ही नहीं होगा, मनोमय शरीर होता है, मन में सप्त धातुओं का सन्निवेश नहीं है, लेकिन सदा तद्भाव भाविता। स्वप्नावस्था के शरीर में कोई आतंकवादी गोली मार दे, शरीर से रक्त आप्लावित होता हुआ दिखाई पड़े, अब नींद टूट जाने पर गोली भी क्या थी, आतंकवादी भी कौन था, शरीर भी कौन था और रक्त की धारा भी कौन थी,
मन ही सब कुछ आत्म चैतन्य से अधिष्ठित होकर चेतित होकर बन गया या नहीं। स्वप्नावस्था में पृथ्वी भी हम, जल भी हम, तेज भी हम, वायु भी हम, आकाश भी हम, दिक भी हम, काल भी हम, और क्या हुआ जी, देहेंद्री प्राणांतःकरण भी हम ही बन जाते हैं। आत्म तत्व ही सर्व रूपों में उद्भासित होता है। हमने संकेत क्या किया, त्यागात शांतिरनंतरम, हमारे आपके जीवन में स्वप्न में इतनी उच्च कोटि की सिद्धि क्यों प्राप्त होती है। एक स्थूल शरीर और बाह्य जगत की विस्मृति के कारण। त्यागात शांतिरनंतरम, गीता का 12वां अध्याय, स्थूल जगत और स्थूल शरीर से उपरांता, भगवत प्रदत्त उपरांता, स्थूल शरीर और बाह्य जगत से भगवत प्रदत्त उपरांता के बल पर स्वप्नावस्था में हमको वो सिद्धि प्राप्त होती है कि हम कर्मेंद्री भी बन जाते हैं, ज्ञानेंद्री भी बन जाते हैं, अंतःकरण भी बन जाते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक, काल, स्थावर, जंगम प्राणियों के रूप में उद्भासित होते हैं। लेकिन स्वप्न में भी द्वंद्व पीछा करता है, सर्दी वहाँ भी लगती है, गर्मी वहाँ भी लगती है, मान अपमान की वहाँ भी पहुँच है। अब गाढ़ी नींद में त्याग का बल, भगवान त्याग के बिना तो जीवन रह नहीं सकता। देखिए, धोखे में भी त्याग बन जाए उसका लाभ मिलता है, विवेक पूर्वक त्याग का तो क्या कहना। वाक्य मैंने क्या कहा, अनिच्छन्न पि न चाहते हुए भी जीवन में त्याग हो जाए उसका भी लाभ होता है। फिर विवेक पूर्वक अगर कोई त्याग जीवन में धारण करे तो उसका कितना महत्व होगा। हम चाहते थे या नहीं चाहते थे, पूर्व शरीर छूटा या नहीं, न भी चाहते हो छूट गया, अब तो आस्तिक है। मैंने पहले ही कहा, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। कदाचित भगवान की कृपा से, तीर्थ राजा प्रयाग की कृपा से हमको 5 मिनटों के लिए दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए, स्वप्नावस्था का दर्शन दिव्य चक्षु के द्वारा होता है और जागृत अवस्था का दर्शन, यहाँ की सामग्री का दर्शन ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा होता है। गीता में 3 चक्षु हैं या नहीं, न तो माम शक्य से दृष्टु बने नहीं वह स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, और क्षेत्र क्षेत्र व मंत्रम ज्ञान चक्षुषा। गीता में 3 चक्षु का वर्णन है, स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। अब प्रश्न हमको उठता है कि माता का दर्शन कैसे होगा जी, स्त्री शरीर का दर्शन होगा स्वचक्षु के द्वारा, मातृबुद्धि कहाँ से बने। ज्ञान चक्षु सन्निहित स्वचक्षु दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा किसी स्त्री में मातृबुद्धि बनेगी। तीनों ये कहाँ की शब्दावली है, स्कंद पुराण। ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा एक स्त्री शरीर में मातृबुद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं। ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा, तीनों चक्षुओं का उपयोग हो गया। हमने क्या संकेत किया सज्जनों, यह संकेत किया कि स्वप्नावस्था दिव्य चक्षु के बिना संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञानेन्द्रियाँ तो सो जाती है, चक्षु तो सो जाता है। स्वप्नावस्था का दर्शन दिव्यम ददामि ते चक्षु हो, लेकिन एक विचार करने की आवश्यकता है। भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया, वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य चक्षु दिया, दिव्य शक्ति भी दी। दिव्य शक्ति का अर्थ, संजय चाहते तो आकाश मार्ग से उड़ के चले जाते धृतराष्ट्र के पास, धृतराष्ट्र के पास, और युद्धभूमि में भी रहते थे, आँखों देखा हाल नहीं कहते ना, नहीं वहाँ रहकर सुनाते थे ये नहीं। जब जब दुर्योधन पक्ष के योद्धा घायल होते, धराशायी होते या मारे जाते, उसके बाद संजय जाते, नहीं तो युद्ध भूमि में युद्ध भी करते थे संजय। लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है कि दिव्य चक्षु से, दिव्य शक्ति से, वहीं से जो घटना घटती देख के सुनाते जाते, ऐसा नहीं है।
युद्ध भूमि में एक बार पकड़ लिए गए पांडवों के द्वारा युद्ध भूमि में संजय, वेदव्यास जी प्रकट हो गए, इसको मत मारो, जेल में मत डालो, मत मारो, मैंने युद्ध भूमि में जीवित रहने का इसको वरदान दे रखा है, यही आपके धृतराष्ट्र को सुनावेगा। एक बहुत विचित्र बात है जी, युद्ध भी करते थे, 18 अक्षौणी सेना उनके शिविर के लिए, महाभारत पर मेरा ग्रंथ है एक, गीता के काल को लेकर मेरे ख्याल में 18 अक्षौणी सेना और तंबू इत्यादि शिविर इत्यादि जलाशय आदि को देखकर कितना बड़ा क्षेत्रफल होगा। युद्ध करते समय भी कौन सी वो दृष्टि होगी, किस पक्ष का कौन सा योद्धा किस प्रकार के पैतरे का उपयोग कर रहा है, किस प्रकार के अस्त्र का प्रयोग कर रहा है, किस प्रकार के शस्त्र का प्रयोग कर रहा है। भगवान वेदव्यास के द्वारा दिव्य चक्षु की प्राप्ति थी उसे, हमने क्या संकेत किया सज्जनों, हमने यह संकेत किया कि कदाचित हमको 5 मिनटों के लिए दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए, एक संकल्प करें, अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय, अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को मैंने सब बना दिया है, मेरे द्वारा त्यागे गए उन सब शरीरों का मुझे दर्शन प्राप्त हो। भाषा समझ में आई, कल्पना कीजिए तीर्थ राजा प्रयाग की कृपा से, भरद्वाज महर्षि की कृपा से 5 मिनटों के लिए आपको दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो गई। आप संकल्प कीजिए, अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को मैंने सब बनाया है, मेरे द्वारा त्यागे गए उन सब शरीरों का मुझे दर्शन प्राप्त हो। एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाएंगे, अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती। गणित का अर्थ क्या है, गणित की परिभाषा क्या होगी जी, गणे की गणना अगणित की लक्षणा गणित है। हमने गणित की परिभाषा दी है विश्व को, गणे गणना योग्य, गणे की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है, निर्दोष। एक ही वाक्य में गणित की परिभाषा हो गई, यानी गणे माने काउंटिंग माने वाले, गणे गणना योग्य, गणे की गणना और अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। देखे तह जानता अगणित योद्धा, हमारी बुद्धि से अगणित है कोई तो किसी की बुद्धि से वो गणित है, गणे है क्या, हमारी बुद्धि से अगणित भी है किसी की बुद्धि का वो विषय है, उसके लिए गणे भी है गणित भी है। तो गणे की गणना अगणित की लक्षणा का नाम सज्जनों गणित है, वेदादि शास्त्रों के आधार पर गणित की यह निर्दोष परिभाषा है। अनादिकाल से अब तक हम आपने एक एक व्यक्ति ने एक एक जीव ने जितने शरीरों को सब बना दिया है, कदाचित भरद्वाज महर्षि की कृपा से उन सब शरीरों का दर्शन प्राप्त हो, एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पड़ जाएं या नहीं। अनादि में अनंत में गणित की गति नहीं होती, ईश्वर के घर में भी लेखा जोखा नहीं है, ईश्वर का अपमान नहीं है। अनादि अनंत में ईश्वर की गति न होना यह ईश्वर की प्रशंसा है या निंदा, स्वरूप उसका है अनादि और अनंत, अन्यथा करते थोड़े भगवान। इसका मतलब ईश्वर भी नहीं कर सकते तो ईश्वर की प्रशंसा हुई या निंदा। निर्विशेष से सविशेष की उत्पत्ति, सविशेष का निर्विशेष में लय, ये नियम है, उस नियम का अतिक्रमण भगवान भी नहीं करते। सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण होता है, सन्निकट सविशेष का नाम कार्य होता है। यह जो दार्शनिक तथ्य है इसमें हेर फेर भगवान भी नहीं करते, इसमें भगवान की भगवत्ता कुंठित रहती है। हमने क्या संकेत किया, एक एक जीव ने अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को सब बना दिया है, कदाचित उसे उसके द्वारा त्यागे गए शरीरों का एक कालावच्छेदन दर्शन हो जाए तो कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाएंगे एक एक जीव के शरीर से। तो अभी अगर शेर आ जाए यहाँ तो हमारी आपकी क्या दशा होगी, शायद हम ही सबसे पहले भगें क्या। लेकिन ये यहाँ जितने व्यक्ति हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मैंने क्यों लगाया, लोभ भय कोरी भावुकता विवेक पूर्वक मत बोलिए, ऋषि मुनि ये सब प्रवचन सुनते हैं, सप्तर्षि भी हम लोगों का प्रवचन सुनते हैं, प्रशंसा नहीं है।
चार दोष नहीं होना चाहिए, लोभ भय कोरी भावुकता विवेक। लोभ भय कोरी भावुकता विवेक पूर्वक न बोले, शास्त्र को समझकर बोले। सप्तर्षि इत्यादि सिद्ध भी जो आते हैं वो भी प्रवचन सुनते हैं, केवल आप ही श्रोता नहीं होते, पितर लोग भी श्रोता होते हैं। तो हमने संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाए, इससे क्या हुआ? वैराग्य होगा या नहीं? तो मैंने क्या कहा था एक वाक्य, अनिच्छन्न पि त्याग हो जाए तो उससे लाभ मिलता है। फिर बुद्धिपूर्वक त्याग हो तो क्या कहना, हम शरीर छोड़ना चाहते थे या नहीं छोड़ना चाहते थे, छूट गया या नहीं, उससे क्या क्या लाभ है जी? मान लो कोई पूर्व शरीर में था गृहस्थ, समझिए गोसाई जी, उसकी पत्नी थी, भाजपाई रही होगी या नहीं रही होगी पता नहीं, इनकी पत्नी भाजपाई आई है या नहीं ना, आप ही उनके प्रतिनिधि हैं सुन श्रोता। तो हमने क्या संकेत किया, पूर्व पत्नी याद है क्या, पूर्व पति याद है क्या? अगर कोई देवी है तो पुरुष है तो पूर्व शरीर, जितने व्यक्ति हैं उतने शरीर प्रकट हो जाएं, किसी से सटने का प्रयास करेंगे, किसी से भागने का प्रयास करेंगे, बाद में कहा जाए जिससे सटने का प्रयास कर रहे, जिससे भागने का प्रयास कर रहे, ये सब शरीर आपके हैं, पूर्व शरीर जन्मों में आपने ये शरीर धारण किया है। प्रयोग देखिए, हम लोग सिद्ध नहीं हैं, वशिष्ठ जी आदि सिद्ध थे, अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। सिद्ध का अर्थ ब्रह्म विद्या की सिद्धि अलग है, पंचदशी कारण लेखा ये सब सिद्धि और तपस्या से है। राम जी योगवासी, राम जी तुम्हारे यज्ञ, तुम्हारे यहाँ एक मृग है, तुम्हें नहीं मालूम, वो मृग अग्नि का उपासक था, यहाँ मेरे सामने अग्नि कुंड प्रज्वलित करो और मैं संकेत करता हूँ उस मृग को लाके खड़ा कर दो, और मृग अग्नि को देखकर कितना उछलता है, आनंद विह्वल होता है। ऐसा किया गया, प्रयोग दिखाया गया, कहा इसने पूर्व जन्म में अग्नि की उपासना की, इसलिए अग्नि को देख करके इतना यह प्रसन्न होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सज्जनों कि कौन सा शरीर रहा होगा जिसमें हम कभी नहीं थे, जान गया, मर्यादा की सीमा में व्यवहार करने पर भी ये ध्यान रहे, कुत्ता भी हम रह चुके हैं, बिल्ली भी रह चुके हैं, छुछुंदर भी रह चुके हैं, बुरा ना मानो होली है, उल्लू भी रह चुके हैं अनादिकाल से, और पितर ऋषि मुनि भी रह चुके हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जीव देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन यह जन्म की परंपरा तब तक बनी रहती है जब तक जीव भगवत तत्व का भजन करके अपने आप को आज अनादि लोक महेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप न समझ ले। प्रवचन का उपसंहार करते हुए हम संकेत करते हैं, हमने कहा था वेदोक्त कर्मकांड हो, उपासना कांड हो, ज्ञान कांड हो, उसके लिए एक सूत्र हृदयंगम करना आवश्यक है, वही देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। यह ज्ञान कर्म की दिव्यता में और बोध की दिव्यता में हेतु है। भौतिकवादियों के पास यह ज्ञान नहीं होता, इसलिए भौतिकवादियों का ज्ञान भी कर्म भी दिव्य नहीं होता, भवबंधन में डालने वाला होता है। इस बात को गांठ बांध लें कि देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। अभी हमने कहा अनिच्छन्न पि त्याग हो जाए, रपट पड़े तो हर गंगा उससे भी लाभ होता, न चाहते हुए भी शरीर छूटा हो, पूर्व सगे संबंधी शत्रु मित्र सबको भूल गए या नहीं, सबको भूल गए या नहीं, स्वप्नावस्था में ये बाह्य जगत को शरीर को भूल जाते या नहीं, सुषुप्ति में फिर अभ्यंतर जगत को भूल जाते या नहीं। इसका मतलब भगवान क्रमशः त्याग का बल और वेग हमारे जीवन में भरते हैं। जागृत की अपेक्षा उन्नत त्याग की भूमि है मनोराज्य, मनोराज्य की अपेक्षा उन्नत त्याग की भूमि है स्वप्न,
लेकिन स्वप्न में भी द्वंद्वों की पहुंच है। स्वप्न की अपेक्षा उन्नत भूमि है गाढ़ी नींद में द्वंद्वों की पहुंच नहीं, मृत्यु के भय की पहुंच नहीं, दुख की पहुंच नहीं। जब तक अहम है तब तक दुख है। गाढ़ी नींद में अहमिचा प्रसुप्त एकादश स्कंद भागवत। अहम सो गया तब तो सुसुप्ति मानेंगे, अहम उछलता रहेगा तो सुसुप्ति थोड़े हो सकती। अहमिचा प्रसुप्त श्री वैष्णव लोग कहते अहम नहीं सोता है, क्योंकि उनका तो अहम आत्म तत्व है अहमर्थ। लेकिन अहमिचा प्रसुप्त है श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद। अहम अगर जगा ही रहा, अहम करण है ना, आत्मा थोड़े है, मन बुद्धि चित्त अहंकार करण कोटि प्रविष्ट। अहम भी सो जाता है तो सुसुप्ति होती है। सर्दी कब तक, गर्मी कब तक, भूख कब तक, प्यास कब तक, मान कब तक, अपमान कब तक जी, जब तक अहम उच्छलित है। दैहिक दैविक भौतिक ताप की प्राप्ति कब तक, जब तक अहम उच्छलित है। अब जागृत में वो सिद्धि हम निकाल लें कि अहम तो हो, इतना शोधित अहम हो जाए कि द्वंद्वों की प्राप्ति होने पर भी व्याप्ति ना हो, न प्राप्ति न व्याप्ति सुसुप्ति गाड़ी नहीं। द्वंद्वों की न प्राप्ति न व्याप्ति, अब प्राप्ति होने पर भी व्याप्ति न हो, ये जागर दशा में स्थित प्रज्ञता है। तो जीवन में त्याग का बल, कल परसों मैंने कहा था संकेत, वहीं जाके प्रवचन को विराम करता हूँ। तीनों अवस्था का अनुशीलन कीजिए, जीवन में त्याग का अद्भुत बल और वेग उत्पन्न होगा। बाह्य जगत और बाह्य शरीर का विस्मरण स्वप्नावस्था में, उस त्याग के बल पर ही स्वप्नावस्था में हम पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक्काल स्थावर जंगम प्राणी हो जाते हैं। जितने शरीर हैं वो हम स्वयं ही मनोयोग से बन जाते हैं, रागास्पद भी द्वेषास्पद भी सब शरीरों के रूप में हम ही होते हैं। सुसुप्ति में क्या होता है, सूक्ष्म प्रपंच से भी अतिक्रांत जीवन भगवान हमको देते हैं। वहाँ द्वंद्व की पहुँच नहीं, वहाँ दुख की पहुँच नहीं। लेकिन बबूल का जो बीज होता है सूक्ष्म वीक्षण के द्वारा देखने पर भी उसमें छिपे हुए तीक्ष्ण कांटे का दर्शन नहीं होता, लेकिन उसी बबूल के चिक्कण बीज को जब अनुकूल पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक्काल का संयोग प्राप्त होता है तो कांटे निकल आते हैं, पौध निकल आता है। इसी प्रकार गाढ़ी नींद में सूक्ष्म प्रपंच की पहुँच नहीं, वहाँ किसी दुख की पहुँच नहीं। अहम का इतना शोधन कीजिए, अहम का इतना शोधन कीजिए कि अहम जागर हो, व्यवहार करे, लेकिन दुख द्वंद्वों की प्राप्ति होने पर भी व्याप्ति न हो। सुसुप्ति में न प्राप्ति न व्याप्ति, लेकिन दोनों का बीज विद्यमान रहता है। सुसुप्ति में द्वंद्वों की न प्राप्ति न व्याप्ति, दोनों का बीज विद्यमान रहता है। सुसुप्ति में दैहिक दैविक भौतिक ताप की न प्राप्ति न व्याप्ति, लेकिन इनका बीज विद्यमान रहता है। सत्संग के बल पर तत्वज्ञान रूप आग से उस बीज को भी भून डालते हैं। परसों मैंने क्या कहा था, भुना हुआ चना सौंधा होता है, सौंधापन बढ़ गया उसमें, भुनने से स्वादिष्ट भी हो गया, पेट भी भर गया। एक बार चना, चने जानते हैं ना, चना वो चले गए ब्रह्मा जी के दरबार में, मेरी रक्षा कीजिए। पौध लगता है, पत्ते ही तोड़ के व्यक्ति साग बना लेते, मुँह में डाल देते, हमारी दुर्गति, आपने हमको जन्म दिया है। करते या नहीं, चने के पत्ते का साग, छोटा सा फल लगा उसी को लेकर चबा लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, कहीं पक जाऊं उसके बाद उबाल के खा लेते, मेरी दुर्गति है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे शरीर से इतना सौंधापन आ रहा है कि मुझसे भी तुमको खतरा, भगो जल्दी। चने ने कहा यहाँ भी न्याय नहीं मिलेगा, तुम्हारे शरीर से इतना सौंधापन आ रहा है, मेरा मन भी चलता है तुम्हें चबा जाऊँ। चने ने सोचा कि अब हम कहाँ जाए, ब्रह्मा जी ने कहा हमारा भी मन चलता है चबा जाऊँ। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, बहुत ऊंची बात है। चनाया स्वादिष्ट भी होगा, भूख को दूर करने में समर्थ भी होगा, लेकिन भुना हुआ होने के कारण क्या होगा, खेती का काम नहीं आएगा, अंकुरोत्पादनी शक्ति उसमें दग्ध हो गई है। ये जीवन मुक्तों का जो चित्त होता है वो भुने हुए चने के समान होता है,
प्रारब्ध पर्यंत व्यवहार वो करते हैं, आगे न उत्क्रमण, चने का उत्क्रमण क्या हुआ, अंकुर उत्पन्न हो जाना, पुनर्भव क्या हुआ, चने के बीज से चना निकल आना। तो तत्वज्ञों का जीवन क्यों सराहनीय है, वो भुने हुए बीज के समान उनका चित्त होता है, अंतःकरण होता है। तस्य तावदेव चिरम स्थित्वा से अमंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। देहत्याग के बाद पुर्यष्टक से जीव कला का न उत्क्रमण होता है न पुनर्जन्म होता है, यहीं पर वो पुर्यष्टक जो है शांत सदा के लिए सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहते हैं। तो आज के प्रवचन का सार क्या निकला, मानव जीवन की सार्थकता है कि दुर्लभ ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करें। अंत में हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी कृपाती जी महाराज कहा करते थे, इमरजेंसी पीरियड में, आपातकाल में, इंदिरा गांधी के समय बहुत कष्ट पाकर बोले थे चातुर्मास में काशी में, कम से कम इन शासकों का शासन जब तक है तब तक जन्म ना हो, इतना पुण्य तो अर्जित कर लो, स्वर्ग में रहो। कुछ गुरुदेव एक प्रकार से बोला, वाणी पर भी परहेज, वाणी पर भी रोक, अभी तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कम से कम ऐसे शासक जब तक हैं तब तक इतना पुण्य उत्पन्न कर लो कि शरीर छूटने के बाद दिव्य लोक में रहो, वेदना की बात है ना। इसका अर्थ क्या है सज्जन, इसका अर्थ है अभी जो शीत युद्ध की बात मैं फिर कर रहा हूँ, ये सब आस्तिक लगते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, अच्छे हैं, घर भरने वाले दोनों में कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात है ना, यहाँ के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री, घर भरने वाले कोई नहीं है, अच्छे हैं। लेकिन एक व्यामोह बहुत प्रबल है, धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति भी कोई ऐसा ना हो जो इनके समकक्ष या इनसे ऊपर हो जाए। क्या मतलब, अभी भारत में क्या व्यामोह है, धार्मिक आध्यात्मिक नेतृत्व भी ऐसे राजनेता अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, वो किसी शंकराचार्य हों या भगवान भी अवतार ले लें, अपने समकक्ष या अपने से ऊपर किसी धर्माचार्य को संत को देखना नहीं चाहते, अपना प्रचारक बना के रख सकते हैं, उनको सही नहीं है। विशेषकर परंपरा प्राप्त मनवादी तो बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए मनवादी सही नहीं है। तो मनवादी की कमी है क्या, एक चुटकुला सुनाता हूँ, सच्ची घटना है, अब वाणी को विराम देता हूँ। ये ऋषिकेश में दर्शन महाविद्यालय के संस्थापक थे राघवाचार्य, उनकी प्रसिद्धि थी, हमने खूब उनका आशीर्वाद लिया है, उनकी प्रसिद्धि थी। वो जब बोलने लगे तोतली भाषा में, संस्कृत सीखने नहीं पड़े, संस्कृत में ही बोले, उन्होंने वाणी ही खोली थी संस्कृत में। अब वह वो सन्यासियों से बहुत दूर रहते थे, लेकिन हमारे एक संत थे आत्मानंद जी महाराज, उनसे बहुत मैत्री थी। एक दिन हम भी मोक्षाश्रम कहाँ ऋषिकेश में थे, वो आए, हमको बहुत मानते थे, हम छोटे बच्चे थे, बच्चे 22-23 साल के थे। वहाँ से शिवानंद आश्रम जी के पास डिवाइन लाइफ सोसाइटी वालों के गंगा के तट पर दर्शन महाविद्यालय के संस्थापक थे विशिष्टाद्वैत के कट्टर पक्षधर, वो जा रहे थे। बीच में लगभग 1.5 किलोमीटर का जंगल, नीचे गंगा उधर पर्वत, और इतनी सी जगह, एक उनका मित्र साथ लग गया, वो समझ नहीं पाए कि मित्र मर चुका है। बातचीत करते करते 1 किलोमीटर तक चले आए, तब उनको ध्यान गया कि ये मित्र तो मेरा मर चुका है, तो भूत होके प्रेत होकर मेरे पीछे लग गया है। तो कहा कि आपने इतनी कृपा की, अब मैं दर्शन महाविद्यालय के सन्निकट आ गया, मुझे कोई खतरा नहीं है, आप विदा होइए, मुझे जाने दीजिए। उसने कहा नहीं, आपको तो वहाँ तक पहुँचाए बिना मैं नहीं रहूँगा। तब उन्होंने कहा था आप कष्ट मत कीजिए, हमें कोई खतरा नहीं, हनुमान जी मेरे पास। अब हनुमान जी का नाम लेते ही वो अंतरित हो गया। फिर आके दूसरे दिन हमको बताया कि देखो बच्चे, ये घटना कल घटी, वो तो हमारे साथ लग गया, हमको मालूम ही नहीं होने दिया कि मरा हुआ मित्र है। इसका मतलब हनुमान जी का नाम ले लेने पर जैसे भूत प्रेत विलुप्त हो जाते हैं, ऐसे ही मनु का सिद्धांत, वेद का सिद्धांत इतना प्रबल है इस क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में,
कि पूरे विश्व को आज भय लगता है। एक बच्चे अवये भय दर्शिना, पूरे विश्व को अगर एक मनवादी खड़ा हो गया तो उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। एक मनवादी खड़ा हो गया तो उसके सामने विश्व का कोई व्यक्ति टिक नहीं सकता। लेकिन भारतवर्ष है, विश्व का हृदय है, मनु के सिद्धांत का अनुपालन करने के लिए भगवान का अवतार होता। फिर से सुनिए, वैदिक संविधान है मनुस्मृति, मनु के सिद्धांत का अनुपालन करने के लिए भगवान का अवतार होता है। जो हमने क्रांति का एक वाक्य दिया है विश्व को, पूरा विश्व कहीं खंडन नहीं कर रहा है, वही कहकर मैं वचन को विराम देता हूँ। चाहे आप चंद्रगुप्त मौर्य के, शिवाजी के, विक्रमादित्य जी के, धर्मराज युधिष्ठिर जी के, राम जी के, अम्बरीश जी के, रघु दिलीप नहुष आदि के शासन की प्रशंसा कीजिए, इन शासकों की प्रशंसा कीजिए, लेकिन अंत में आपको सोचना पड़ेगा, जिधर ध्यान आपका नहीं है, किस संविधान को इन्होंने क्रियान्वित किया, इनके शासन की, अनुशासकों की प्रशंसा की जाती है। प्रश्न उठना चाहिए नहीं, किसी संविधान को क्रियान्वित करने के कारण इनके शासन की, अनुशासकों की प्रशंसा की जाती है, वो मनुस्मृति है। जिसके प्रति अनास्था जानबूझकर अंग्रेजों ने उत्पन्न की, वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति राम राज्य का अर्थ क्या है? मनुस्मृति के सिद्धांत का अनुपालन। वाल्मीकि रामायण में मनुस्मृति के दो श्लोक उद्धृत हैं। युधिष्ठिर जी के धर्मराज्य का मूल क्या है? संविधान कौन था? मनुस्मृति। इसलिए हमने संकेत किया, मनु ने जो कुछ कहा है मौसद है। मनु का सिद्धांत कल मैंने कहा, वहीं आकर आज भी प्रवचन को विराम देता हूँ। कौन काटेगा? प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में है, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति में है, मुक्ति में है। जिस प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही निकल जाए, उस प्रवृत्ति की दुर्गति है। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति में। मुझसे अगर कहे कि पूरे वैदिक वाङ्मय को एक वाक्य में बोलिए, तो क्या बोलूँगा? पूरा वैदिक वाङ्मय एक वाक्य में क्या होगा? प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में, प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में। निर्वृत्ति माने सदा के लिए मृत्यु जड़ता दुखता के दुख के चपेट से विमुक्त होकर सच्चिदानंद मात्र होकर अवशिष्ट रहने में सार्थक है। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में। तो आज के प्रवचन का सार हुआ वही। हमको तीन श्लोक बहुत प्यारे हैं, श्रीमद् भागवत चौथा स्कंद 18वां अध्याय तीसरा चौथा पांचवां श्लोक। तीन श्लोकों के माध्यम से भूदेवी ने महाराजा धीराज पृथु को प्रबोधित करते हुए कहा, राजन वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं, कृषि को लेकर, अग्निहोत्री को, अग्निहोत्रादि को लेकर, मनःकल्पित विधा से अगर कोई विकास का मार्ग प्रशस्त करे, इनकी उपेक्षा कर दे, कभी सफल नहीं होगा। लौकिक उत्कर्ष भी तभी संभव है जब वैदिक महर्षियों के द्वारा जो चिर परीक्षित और प्रयुक्त सिद्धांत हैं उनको क्रियान्वित किया जाए। इसलिए ऐसा मत मानिए कि इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में क्या मनु के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। रॉकेट कंप्यूटर एटम दिए किसने जी? ये कंप्यूटर किसने दिया? श्री भारती कृष्ण महाराज ने। वैदिक मैथमेटिक्स के रचयिता पुरीपीठ के 143 में शंकराचार्य ने एकाधिके ने पूर्वेण एक न्यूने ने पूर्वेण इन सूत्रों की संरचना की। उनके विदेशी उनसे पढ़े हुए गणितज्ञ शिष्यों ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। कंप्यूटर भी गोवर्धन मठ पुरीपीठ की देन। एकाधिके ने पूर्वेण एक न्यूने ने पूर्वेण। हाँ, बाइनरी सिस्टम क्या है जी? आजकल बाइनरी सिस्टम, वायरी सिस्टम, इसका नाम हमने रखा द्वयंक पद्धति। वो वेदों की देन है। गणित आधुनिक जो है विसंगति से परिपूर्ण है, और गणित में जहाँ कहीं चमत्कृति है वैदिक वाङ्मय से। आर्किमेडीज ने कौन सा नया दिया जी? हमारे सारे सिद्धांत आर्किमेडीज के नाम पर प्रसिद्ध हो गए, पाश्चात्य जगत के नाम पर, वैज्ञानिकों के नाम पर प्रसिद्ध हो गए। भारतीय मनीषियों का नाम लेना भी कोई उचित नहीं समझता, इसलिए हमने संकेत किया। हर प्रकार की विद्या, हर प्रकार की कला का उद्गम स्थान वेदादि शास्त्र हैं। एक आप कहेंगे महिमा तो बहुत गा दी, प्रयोग
लीजिए, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम, गीता 18:14 मेरे ख्याल में। सुनिए अब एक श्लोक का अर्थ समझ लीजिए। वहाँ जो है वो तो है ही, अब वो इंजीनियर को यहाँ पर है, चलो आप ही मान लो इंजीनियर हो, अब मैं अर्थ करता हूँ इसका वैज्ञानिक ढंग से व्यावहारिक धरातल। रेल की दुर्घटना घट गई, दुर्घटना हो गई, जांच कमीशन तैयार की गई, इससे बढ़िया क्या मिलेगा जी? पटरीगत डब्बेगत त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई, अधिष्ठानम ड्राइवर के प्रमाद से तो दुर्घटना नहीं हुई, तथा कर्ता ब्रेक आदि फेल हो जाने से दुर्घटना नहीं हुई कहीं। करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा, झंडी देने में सिग्नल देने में इन सब में कोई त्रुटि के कारण दुर्घटना तो नहीं हुई, आंधी तूफान बादल कोहरा आदि के कारण दैवी प्रकोप के कारण दुर्घटना तो नहीं हुई। अब लीजिए जितने जांच कमीशन बने अगर गीता के इस श्लोक का उपयोग किया जाए सब में सफलता मिलेगी या नहीं? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? वैज्ञानिक दृष्टि से भी, कला की दृष्टि से भी, धर्म की दृष्टि से भी वैदिक सिद्धांत सर्वोपरि है। हर हर महादेव, सबका भला।